गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 8 चैप्टर करेस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम थर्ड लेटर करने जा रहे हैं जिसमें रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का टॉपिक आ रहा है। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, पहले वो समझते हैं उस कंसेप्ट को, फिर उसके बाद इस लेटर को फिनिश करते हैं। ठीक है, रिन्यूअल मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड को रिन्यू करना, फिर से एक्सटेंड करना एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई कंपनी है और मेरी किसी कंपनी ने लोन लिया है किसी से। ठीक है, जैसे हम लोग उसको एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी कंपनी समझ लो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड ने मिस्टर ए से लोन लिया, एस लिमिटेड ने मिस्टर ए से लोन लिया। ठीक है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए पकड़ के चलो, 3 साल के लिए मिस्टर ए ने कंपनी को लोन दिया है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट दिया हुआ है एग्जैक्टली। हम इसके हिसाब से समझ के चलते हैं कि मिस्टर ए ने एस लिमिटेड को 3 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट का पैसा दिया 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अच्छा, 3 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, 3 साल के बाद एस लिमिटेड को कंपनी को मिस्टर ए को पैसे वापस करने पड़ेंगे, बिल्कुल वापस करने पड़ेंगे, ब्याज के साथ वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंपनी चाहे इस पैसे को और भी फर्दर यूज़ कर सकती है और टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, और ये कब होगा, जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट आ रहा होगा तब कंपनी उनको एक लेटर भेजती है। किसको लेटर भेजेगी कंपनी, डिपॉजिटर को, मिस्टर ए को। मिस्टर ए को लेटर भेजती है, उनसे पूछती है, उनसे कंफर्म करती है कि क्या सर आप अपना डिपॉजिट का पैसा हमें और फर्दर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने दोगे क्या। और अगर मिस्टर ए ने कन्फर्मेशन भेज दिया कि हाँ भाई आप और पैसे मेरे और 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, 2 साल तक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वहाँ बोलती भाई हमें इतने महीने के लिए यूज़ करना है, और अगर मिस्टर ए ने परमिट कर दिया तो फिर कंपनी क्या करेगी, इससे पुराना रिसिप्ट ले लेगी, इससे एक रिन्यूअल फॉर्म भरवा लेगी, मिस्टर ए से रिन्यूअल फॉर्म कंपनी भरवा लेती है, और रिन्यूअल फॉर्म भरवा कर फिर कंपनी ये लेटर भेजती है। कौन सा लेटर, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब होता क्या है कि मिस्टर ए और एस के बीच में पहले ही कम्युनिकेशन हो जाएगा, किस बारे में, रिन्यूअल के बारे में, टाइम एक्सटेंड करने के बारे में। और अगर मिस्टर ए ने परमिट कर दिया तो वहाँ पे फिर कंपनी टाइम बढ़ा देगी। ठीक है, मिस्टर ए के फॉर्म भरने के बाद कंपनी टाइम बढ़ा देगी, और फिर कितना समय बढ़ेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, वो सारी बातें इस लेटर में हम लोग देखने वाले हैं। मतलब ये लेटर कब भेजा जा रहा है, जब रिन्यूअल हो चुका, जब डिसीजन ले लिया गया है कि भाई टाइम पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, तब ये कंपनी लेटर भेज रही है किसको, डिपॉजिटर होल्डर को। ठीक है, तो ये मोटिव समझ में आ गया एक बार आप लोगों को, अब आपको लेटर आसान लगेगा। राइट, अब वहाँ पे स्टार्टिंग तो आपकी वही होती है, कंपनी का नाम और एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, और कंपनी किसको भेज रही है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है एग्जैक्टली, रिन्यूअल फॉर फिक्स डिपॉजिट, मतलब कंपनी यहाँ पर रिन्यू कर रही है फिक्स डिपॉजिट को, रिन्यू कर रही है इसका मतलब टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर रही है कंपनी, और कुछ दिन तक उसके कंपनी, मतलब कंपनी और कुछ दिन तक मिस्टर ए का पैसा यूज़ करना चाहती है, और कम्युनिकेशन पहले ही हो चुका होगा, अब ये लेटर भेजकर कंफर्म कंपनी कर रही कि भाई रिन्यूअल हो चुका है। ठीक है, क्या लिखा है, डियर मैडम, We hereby acknowledge that received your application for renewal of deposit for 1 lakh rupees for further year for 2 period. इसका मतलब जब कंपनी ने लेटर भेजा होगा मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए ने बोला होगा ठीक है भाई कन्फर्म है 2 साल के लिए और यूज़ कर सकते हो, तो कंपनी यहाँ पे उसी का रेफरेंस दे रही है कि हमें आपका एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए रिसीव हुआ और आप 1 लाख रुपये का पैसा हमें 2 साल तक और यूज़ करने के लिए परमिशन दे दिया आपने फॉर्म भरकर, इसका रेफरेंस वहाँ पे दिया जा रहा है कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन के साथ और क्या मिला है, ओरिजिनल FDR रिसिप्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, क्योंकि उसका टाइम पीरियड तो ख़त्म हो गया होगा, तो कंपनी पुराना रिसिप्ट डिपॉजिटर होल्डर से ले लेगी और उसको एक नया रिसिप्ट इशू करेगी नए टाइम पीरियड के साथ में। ठीक है, तो उस समय ये लेटर कंपनी लिखती है। तो यहाँ पे लिखा है कि पुराना रिसिप्ट हमें मिल गया, उसका नंबर ये है, ये था नंबर, आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। सेम हैज़ बीन प्लेस बिफोर बोर्ड ऑफ कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, मतलब जब मिस्टर ए ने फॉर्म भर दिया होगा रिन्यूअल का, रिसिप्ट दे दिया होगा पुराना,
और तब ये सारा फैक्टर्स कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख देती है अप्रूवल के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसमें अप्रूवल दे देते हैं, रिजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो कंपनी और फर्दर मिस्टर ए का पैसा कुछ दिनों तक या फिर कुछ सालों तक यूज़ आसानी से कर सकती है। बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ब्याज रेट में कोई चेंजेस लगभग कंपनी नहीं करती है। ठीक है, तो लास्ट में लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग रिजोल्यूशन होल्ड ऑन 17th मार्च हैज डिसाइडेड टू रिनीव द डिपॉजिट फॉर फर्दर 2 ईयर। इसका मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उनके सामने ये बातें रखी गई थी, उन्होंने उस बात को मान लिया, 2 साल तक कंपनी और फर्दर पैसे को यूज करना चाहती है सेम टर्म्स एंड कंडीशन में। ठीक है, तो कंपनी यहां पर इन्फॉर्म कर रही है मिस्टर ए को कि भाई हमने डिसीजन ले लिया है, हम अब फर्दर यूज़ करेंगे, और इस लेटर के साथ में कंपनी क्या भेज रही है, नया डिपॉजिट रिसिप्ट भेज रही है। इसलिए लास्ट में वो भी लिख दिया उन्होंने, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर इज एनक्लोज विथ दिस लेटर, एनक्लोज उसके साथ अटैच करके, एनक्लोजर में आपको लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, एनक्लोजर अटैच करके कंपनी लेटर भेज रही मिस्टर ए को और इन्फॉर्म कर रही भाई रिन्यूअल हो चुका है, हम फर्दर 2 साल के लिए और आपका पैसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था लेटर एग्जैक्टली। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होगा, मोटिव आपको समझना होगा, मोटिव समझने के बाद आपके लिए लेटर आसान हो जाता है। तो ये टाइम एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा गया था, टाइम एक्सटेंड हो चुका था उसके बाद लेटर लिखा गया था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फटाफट आप पूछें इस लेटर में को, या फिर किसी भी लेटर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ऑफकोर्स आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए होगा, नेक्स्ट चैप्टर पे चाहिए कि किस पे चाहिए, ये मुझे इन्फॉर्म करें वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिखकर, मुझे मैसेज कर आप बताओगे तो फिर ऑफकोर्स मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चाहे आपको सबसे पहले वीडियो देखने मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।